अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम आपको ये मज़ेदार सी क्रिस्पी कचौरियाँ बनाना सिखाएंगे। इन कचौरियों में ज़्यादा टाइम नहीं लगता और ये बहुत ही लाइट और क्रिस्पी है, तो इसको बनाने के लिए आपने लेनी है मूंग की दाल। और अगर आप जल्दी बनाना चाहते हैं तो आपने इसको खोलते हुए गर्म पानी के अंदर भिगो के रख देना है फॉर एटलीस्ट हाफ एन आवर। उसके बाद आपने इस मूंग की दाल को ऐसे क्रश कर लेना है, ग्राइंड कर लेना है बारीक बारीक। चाहे तो फिलिंग के लिए हम लेंगे 2 टेबल स्पून बेसन के, साथ में हम लेंगे 1 टीस्पून भर के ज़ीरा, 1 टीस्पून लेंगे हम साबुत धनिया, 1/4 टीस्पून यानी आधे का आधा कुटे हुए लाल मिर्च, 1/2 चम्मच हम लेंगे टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च का, 1 टीस्पून हम लेंगे अनारदाने का, 1/4 टीस्पून यानी आधे का आधा हम लेंगे हल्दी, 1/4 टीस्पून हम डालेंगे इसके अंदर गरम मसाले का, 1 टीस्पून हम डालेंगे खटाई पाउडर या आमचूर पाउडर का, और 1/2 टीस्पून हम डाल देंगे इसमें नमक। ले जी, आपका ये मसाला तैयार है। अब आपने घी लेना, यहाँ पर हम 2 टेबल स्पून ऑयल के ले रहे हैं, और इसको अच्छे तरीके से आपने गरम कर लेना है, और जितने भी हमने मसाले का मिक्सचर बनाया वो सारा का सारा आपने इसके अंदर डालकर अच्छे तरीके से भून लेना है। जब आपका मसाला अच्छे तरीके से भून जाए तो आपने उसमें गार्लिक पेस्ट डाल लेना है, या फिर चाहें तो आप गार्लिक को क्रश कर लें और उसको, ये तकरीबन एक शहादत की उंगली यानी एक आपकी इंडेक्स फिंगर के अकॉर्डिंग साइज़ होगा इसका, और इससे ज़्यादा नहीं लेना, ठीक है। इसको क्रश कर लेना है अपने अच्छे तरीके। साथ में हम लेंगे 2 हरी मिर्चें, इनको भी आपने बारीक बारीक काट लेना है। हरी मिर्च डालना भी ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप डाल लें, अगर आपका नहीं जल करता तो आप ना डालें। अब आपने जब मसाला आपका अच्छे तरीके से भून जाएगा तो उसमें आपने बेसन भी ऐड कर देना है। बेसन डालकर आपने तब तक भूनना है जब तक बेसन की एक अच्छी सी खुशबू आने लग जाए और कच्चापन ख़त्म हो जाए। जब आपका बेसन अच्छे तरीके से भून जाएगा तो वो कुछ इस तरह लगेगा, और उसके बाद आपने इसके अंदर अपनी मूंग की दाल जो कि हमने पीसी है, यहाँ पे हमने मूंग की दाल को ज़्यादा नहीं पीसा, वो आपने अच्छे तरीके से इसमें डाल देनी है और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर देना है। ये दाल उबली हुई बिल्कुल भी नहीं है, तो प्लीज़ इस बात का आपने ख्याल रखना है। ये सिर्फ और सिर्फ भिगोई हुई थी और हमने इसको ग्राइंड कर लिया था। इसको अच्छे तरीके से आप मिक्स कर लेंगे जब तक ये इसके अंदर बिल्कुल अच्छे तरीके से एक मिक्सचर की फॉर्म ना ले ले। जब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगी तो ऐसे कुछ आपका बैटर लगेगा। इसको आपने एक प्लेट में निकाल लेना है ठंडा होने के लिए, ताकि आप अब इसकी फिलिंग कर सकें। इस पॉइंट पे हमारी दाल भी पक चुकी है, तो उसकी भी टेंशन नहीं लेनी। अगर आप चाहें तो चिकन की फिलिंग बना के भी ऐड कर सकते हैं, चिकन का कीमा इस तरह करके। आए अब हम डो की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमने तकरीबन 2 कप मैदा लिया है। ये कप के मेजरमेंट के लिहाज से 8 औंस बनता है, तो आप उस लिहाज से आपने 2 कप मैदा ले लेना है। इसमें आपने डाल लेने हैं 4 चम्मच ऑयल के या फिर घी के। अब हम डालेंगे 2 टीस्पून यानी छोटा चम्मच नमक का, और हमने इसको गूंदना शुरू कर देना है थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। एकदम से आपने पानी नहीं डालना वरना गुठलियाँ बन जाएंगे, मिक्स करना मुश्किल होगा, इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके पानी आप ऐड करें और इसको अच्छे तरीके से गूंद लें। आटा ज़्यादा आपका नरम भी नहीं होना चाहिए ना ज़्यादा सख्त होना चाहिए, बिल्कुल दरमियाना होना चाहिए। आटा जब आपका गूंद जाएगा तो उसके ऊपर आपने 1 टेबल स्पून या थोड़ा सा भी ऑयल या घी लेके आपने उसके ऊपर लगा देना है और उसको ढक देना है तकरीबन आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद आपने थोड़ी सी काली मिर्च आटे पर डालनी है और उसको अच्छे तरीके से फिर थोड़ा सा गूंद लेना है। आटे को आपने छोटे छोटे बॉल्स में तोड़ लेना है और उनके सर्कल्स बना के आपने रखते जाना है। जो पेड़ा हम बना रहे हैं ये ना ज़्यादा बड़ा होना चाहिए ना छोटा, एक अप्रॉक्सीमेटली साइज़ होना चाहिए एक टेनिस बॉल का। अभी एक आपने लेना है फ्लैट सरफेस, कोई बोर्ड लेने कटिंग कुछ भी, और उसके ऊपर आपने थोड़ा सा ऑयल डाल के अच्छी तरह बेल लेना है। ज़्यादा पतला नहीं करना, बस दरमियाना, इसका साइज इससे ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। आप चाहें तो इसको हाथ से थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, बट ये बिल्कुल एक छोटी सी रोटी की फॉर्म होगी। आपने साइडों से किनारे फोल्ड करके अपना जो बैटर है, चाहे वो चिकन वाला हो या जो हमने दाल मूंग का आपको दिखाया है, वो आपने इसमें ऐड कर लेना है।
और इसको इस तरह बंद कर लेना है। जो एक्सेस आटा होगा उसको आपने तोड़ के निकाल लेना है। अब दोबारा से आपने इसको पेड़े की फॉर्म में बना लेना है। खुश्क आपने थोड़ा थोड़ा मैदे का ही डस्ट करना और इसको बेल लेना है। अब जब आपने बेलना है तो इसका ख्याल रखें कि ये उतनी बड़ी ना बने, बल्कि पतली ना हो, ना ज़्यादा मोटी हो, बारीक हो और साइज़ उतना ही हो जितना हमारे पहले पूरी का था जब हमने इसमें फिलिंग नहीं की थी। फिलिंग करने के बाद इसको ज़्यादा बड़ा नहीं करना वरना ये फट भी सकती है। और आपने फिर इनको ऐसे साइड पर रखते जाना है और नेक्स्ट पेड़ा लेना है, उसके साथ भी आपने इसी तरह करना है। जब आप अपनी सारी कचौरियाँ तैयार कर लें तो आपने इनको फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए आपने कढ़ाई में तेल लेना है, उसको गर्म हो जाए तो कचौरी को डाल देना है और चम्मच नहीं चलाना आपने। जैसे ही आपकी कचौरी ऊपर आएगी तेल पे तब आपने चम्मच से उसके ऊपर ऑयल डालना है ताकि अच्छे तरीके से आपकी कचौरी गोल्डन ब्राउन हो जाए। और इनको अच्छे तरीके से गोल्डन ब्राउन करके निकाल लेना है। ख्याल रहे कि बिल्कुल भी जले मत और आपने चम्मच से इसको ऊपर से प्रेस नहीं करना। साइड से आप ऑयल ज़रूर डाल सकते हैं, बेहतर है कि ऑयल आप ज़्यादा जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको गर्म होने दें तेज़। ये ना हो कि आपका ऑयल तेज़ गर्म ना हो, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो आपकी कचौरी ऊपर नहीं आएगी और उसके अंदर बहुत ज़्यादा ऑयल आ जाएगा जो कि आपकी कचौरी को ऑयली बना देगा और वो फूलेंगी भी नहीं। सो दैट्स नॉट अ गुड आइडिया। अब आप देख सकते हैं आपकी कचौरी ऊपर आ गई है। बस अब आपने इनको गोल्डन ब्राउन होने देना है एंड एवरीथिंग विल बी डन। ले जी, हमारी कचौरियाँ गोल्डन ब्राउन हो गई हैं। अब आपने इनको निकाल लेना है किसी भी स्ट्रेनर में और उसके अंदर अच्छे तरीके से आपने इनका तेल को निचोड़ लेना है एंड यू आर गुड टू गो। दाल मूंग की कचौरियों को आप चने और आलू की भाजी के साथ भी खा सकती हैं, वरना केचप तो आप ट्राई कर ही सकते हैं। ये तो थी दाल मूंग की कचौरियाँ, लेकिन अगर आप चिकन से भी बनाएं तो बहुत अच्छी बनेंगी। आपने इस वीडियो के स्टार्टिंग में इसकी क्रिस्पी आवाज़ तो सुनी ली थी, तो आई होप आपके मुंह में पानी आ रहा होगा और आप ज़रूर रमज़ान में इसको ट्राई करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।